आप देखें ओनली फिल्मी बीट और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू। अच्छा लड़का लगता था शिव, फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ शायद ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि सब सिर्फ इसके लिए बोट है। और अर्चना के साथ जो हुआ था वो जानबूझ के किया गया था, शिव ने जानबूझ के किया था कि दोस्त तो कभी बन ही नहीं सकते। मैंने उसको ये बोला था कि हाँ हम दुश्मन रहेंगे और हमेशा रहेंगे इस घर में रहेंगे। तो अभी से क्या बताऊँ, जब जाऊँगा उस टाइम की सिचुएशन देखूंगा ना, मेरे से बेटर तो कोई नहीं खेल सकता। हम इतना चुप रहने वाला ही नहीं है हम। एक्जैक्टली फिल्मी बीट में आपका स्वागत है, गोरी नहीं बोल दिया ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं फिल्मी बीट, मैं हूँ आपके साथ लवी चौधरी, और इनका इंट्रोडक्शन करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप पहचान गए होंगे। इनफैक्ट मैंने गोरी के लिए दो लाइंस भी लिखी हैं जो बिग बॉस में मुझे लगा उनकी जर्नी के बाद बिल्कुल सूट करती हैं। वो है कि जिंदगी तूने गम बेशक हज़ार किए, लेकिन मैंने हर गम को गुलजार करके जिया है। क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने बिग बॉस में देखी, सभी ने देखी कि दो ग्रुप बन गए, एक सेलिब्रिटी वाला और एक नॉन सेलिब्रिटी वाला, जिसमें आपको भी गिनवाया गया। इनफैक्ट लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया ग्रुपिज्म चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने अपना टेक रखा। तो शिव ने जिस तरह से मैन्युपुलेट किया, उस पर आपका क्या टेक है? सबसे पहले शिव मेरे को पहले एकदम वो बोलते हैं ना, एक अच्छा लड़का लगता था शिव, कि हाँ ये अच्छा दिल से खेल रहा है और हमें शायद ये दिल से दोस्त बनाया हुआ है और दिल से ही हमसे रख रहा है। जैसे ही मुझे कुछ मतलब उसमें चेंजिंग आने नज़र हुए, जैसे निमृत के आने से वो निमृत को टाइम देने लगा मेरे को और एमसी स्टैन को देने का उसने फिर कम कर दिया, फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ शायद ये हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि सब हम मतलब सिर्फ इसके लिए बोट है जी। तो ये चाहता है कि हम इसके बोट बने हुए रहें और ये इसीलिए हमसे रख रहा है। तो मैंने मेरा मुद्दा उठाया और मैं उस ग्रुप से अलग हो चुकी थी। एग्जैक्टली लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी था कि जब आप ग्रुप से अलग हुए तो आप थोड़ा दिखना बंद हो गए, क्या वो सच में जो असली वाली दोस्ती आपने सोच लिया था ऑनेस्ट दोस्ती बन गई थी, तो आपको दुख लगा कि शिव वाले ग्रुप से या उनसे मेरा बॉन्ड खराब हुआ? नहीं, मेरे को दुखी ये नहीं हुआ, मेरे को शिव का तो बिल्कुल भी वो नहीं हुआ कि मैं शायद उसकी दोस्त अब हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले वो बोलते हैं ना पहल मैंने उससे कभी की नहीं, कि मैंने हमेशा से उसको दोस्त माना था, पहल उसी ने की। और फिर लास्ट में तो उनको वो बोलते हैं ना कि मेरा उनसे बात नहीं करने का उनको इतना बुरा लगा कि वो फिर खुद आके मेरे को वो बोलते हैं ना उंगली करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एग्जैक्टली आपने शायद देखा नहीं होगा लेकिन ऑडियंस ने देखा है, जब आपकी लड़ाई हुई थी उसके बाद में शिव हर जगह आपके बात कर रहे थे, तो उससे लगता है कि जो आपका गाना था गोरी नाचे, वहाँ पे गोरी ने सच में सबको नचाया था। बट एक और सवाल ये है कि आपने जब घर से बाहर आके बोला कि शिव को ग्रुप में खेलना पसंद है, वो अकेले नहीं शाइन कर सकता, ये सच है? मतलब ये सच में सच है, क्योंकि उसको एक ना एक या दो ना दो बंदे उसको चाहिए ही चाहिए, और उसको जहाँ उसको लगता है ना कि हाँ मेरा यहाँ ग्रुप बन सकता है तो वो उनके लिए वहाँ खड़ा हो जाता है। जैसे निमृत के लिए बल क्या बोलते हैं दल बदलू का जो टास्क हुआ था जिसमें उसने अपना ही मुंह डुबो लिया था, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि उसको हाँ वो चाहता था कि ये मेरे ग्रुप में आए और मुझ पर ये ट्रस्ट करे, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कि ये मेरे को धोखा नहीं दे। अभी सलमान खान ने उनको रियलाइज़ कराई उनकी गलती, तो अर्चना को घर में वापस ले लिया, तो अर्चना के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अर्चना भी हमेशा कहती हुई नज़र आती है कि मैं भी गांव की लड़की हूँ और आप भी गांव की हैं, हाँ। दो कंपटीशन तगड़ा हो गया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो हमारी तो एक ऐसी टकरार थी कि दोस्त तो कभी बन ही नहीं सकते, मैंने उसको ये बोला था कि हाँ हम दुश्मन रहेंगे और हमेशा रहेंगे इस घर में रहेंगे। तो पर क्या है कि वो एक अच्छी लड़की है, ऐसे दिल से अच्छी है, वो बोल देती है मुँह फट है, पर बोलने का तरीका सबका अलग होता है, जैसे मेरा भी है तो उसका भी है, सीधी बात है। पर वो ये है कि हाँ वो कहीं ना कहीं सही मुद्दे भी बोलती है, ऐसा नहीं है कि वो सारे मुद्दे गलत बोलती है। और अर्चना के साथ जो हुआ था वो जानबूझ के किया गया था, शिव ने जानबूझ के किया था। तो एक और सवाल अर्चना से लेकर ये है कि वो ट्रस्टवर्दी है, मतलब ट्रस्ट किया जा सकता है उन पे? वो नहीं, वो अपने आप के अलावा किसी को पसंद नहीं करती। अभी आप बाहर आने के बाद आपने देखा बिग बॉस के एपिसोड्स जो आए आपके बाद? नहीं, कुछ देखा था कि एमसी बड़ा उदास था तो उसके लिए मुझे बुरा लगा, भले कैसा ही दोस्त था मेरा। वो ट्रस्टवर्दी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्रियंका से वो आते ही लड़ पड़ी। वो अच्छी बात है कि वो मतलब वो साफ बोलती है, वो खुला बोलती है कि मैं अकेले खेलने आई हूँ, मैं किसी के भरोसे के लायक नहीं हूँ, वो ऐसे ही बोलती है सबको। तो अभी मेरे पास कुछ टैग्स हैं जो मैं आप चाहूंगी कि आप लोगों को दे जो कंटेस्टेंट्स हैं। मास्टरमाइंड कौन है बिग बॉस 16? मास्टरमाइंड शिव। और ड्रामा क्वीन? ड्रामा क्वीन अर्चना। फेक शालिनी। धोखेबाज निमृत। दोस्त जो सबका दोस्त बन जाएगा? सबका दोस्त अब्दू। अब्दू रियल कौन है? रियल अब्दू। और जो चालाक लोमड़ी है वो कौन है? टीना दत्ता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विनर कौन लगता है आपको अभी बिग बॉस में? प्रियंका। प्रियंका विनर लगता है, बट प्रियंका को लोग बोलते हैं कि वो दूसरे के मुद्दे में जाती हैं, ऐसा है? वहाँ जाएगी नहीं तो दिखेगी कैसे। और अंकित के गेम प्लान के बारे में आपका क्या ख्याल है?
देखते हैं, अभी तो उदास है, फिर देवदास भी है, धीरे धीरे खुलने लगे हैं, अब देखते हैं कि कुछ कमाल कर जाए, सब इसी उम्मीद में हम भी। तो आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, तो आप अपनी गेम में या स्ट्रेटेजीज में क्या चेंज करेंगी, और कौन से बंदे से जिससे आपकी दोस्ती थी उस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगी, आपकी दोस्ती नहीं करनी? दोस्तों मैं खैर बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वहाँ सब दोस्त बनने के लिए आए, सब खेलने आए। तो इस बार मेरा डांस मूवी जो सबको पसंद नहीं आया, तो इस बार चार गुना ज़्यादा करने वाली हूँ, और सनी के साथ होगी। तो आप इस बार कपल एंट्री लेंगी अगर लेंगी तो? हाँ जी जरूर। आपके बॉन्ड को अगर किसी ने फेक बता दिया वहाँ पे, क्योंकि सबके बॉन्ड फेक होते हैं? वो बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम मतलब वो ऐसा नहीं है कि हम कैमरे के लिए करेंगे, जैसे हम बाहर वैसे ही अंदर दिखने वाले हैं। ओके, तो अभी गौरी घर से बाहर तो आ गई है बिग बॉस के, लेकिन बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत प्यारा वो बोलती हैं, लेकिन अभी उन्होंने बोला कि वो सनी के साथ जाएंगी। तो मैं सनी से पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग मिलते हैं बिग बॉस में। अभी से क्या बताऊँ, जब जाऊँगा उस टाइम की सिचुएशन देखूंगा ना, उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, जब जाके वही प्ले करूंगे हम लोग दोनों गेम। अच्छा, आप अंकित से बेटर खेलेंगे, क्योंकि उनकी भी एक जोड़ी है, आपकी भी एक जोड़ी जाएगी? वो तो ऑफ कोर्स, मैं हम मतलब बेटर तो कोई नहीं खेल सकता, हम इतना चुप रहने वाला ही नहीं है। बिग बॉस के बाहर तो आ गई है गौरी, लेकिन अभी उनकी बहुत सारी प्लानिंग है फ्यूचर के लिए भी, और उन्होंने सनी का नाम भी लिया है कि अगर वो जाएंगे तो ही वो जाएंगी अब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर। लेकिन सनी की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है वो हम पूछते हैं। अभी से क्या बता दूं, जिस टाइम पे जाएंगे ना उस टाइम की सिचुएशन देखेंगे बिग बॉस में कौन क्या गेम खेल रहा है, जैसे कि हम लोग रोज देखते हैं, इसके बाहर आने के बाद भी देख ही रहे, अगर जाने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम दोनों जाएंगे। मतलब शांत तो नहीं रहने वाले? शांत कौन, मैं बाहर नहीं रहता, अंदर कहाँ शांत रहूंगा। तो बिग बॉस में बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनके बॉन्ड को फेक बताते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी रेडी हैं, तो अगर बिग बॉस के मेकर्स तक ये बाइट पहुँचे ना, तो मुझे लगता है इनसे ज़्यादा धमाल कोई नहीं करने वाला बिग बॉस के घर में, बिल्कुल ना। हाँ, और मेरे तो और स्टेप देखने को मिलने वाले हैं जो उनको पसंद नहीं थे। जो अर्चना ने बोला है ना डांसर, तो वो सच में दिखाती है कि डांस क्या होता है। एग्जैक्टली, वो तो सबको पता है, उनके खुद के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी बिग बॉस के बाद, कोई और रियलिटी शो, डांस से रिलेटेड कोई रियलिटी शो? देखो काम तो करना ही है, और कोई भी काम छोटा नहीं होता और बड़ा नहीं होता, तो मैं सारे काम करने के लिए रेडी हूँ। तो अभी सारे काम करने के लिए गौरी जो है रेडी है, उनके साथ सनी भी रेडी है, ये एक पंचिंग पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि वो बिग बॉस में जाने के लिए उनकी स्ट्रेटेजीज कमाल है कि बस मुझे बोलना है मैं शांति रहूंगा। तो आपने गौरी का यहाँ पे इंटरव्यू देखा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि गौरी का गेम आपको कैसा लगा, और वाइल्ड कार्ड एंट्री आप चाहते हैं या नहीं उनकी, क्योंकि ये जरूर होना चाहिए, अगर जनता की डिमांड है तो वो जरूर वापस जानी चाहिए। तो आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? भी चाहते हैं कि जनता कहीं ना कहीं देखे हम दोनों को टीवी पे, अभी तक तो इसको अकेले देखा था, अभी इसका गेम देखा ना, अब हम दोनों का गेम देखना कि मैं इसको गेम कैसे खिलाता हूँ। तो आप वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर के लिए कुछ बोलेंगी कि अगर आपको बुलाया जाए इंटरव्यू तो? बिग बॉस प्लीज बुला लीजिए। थैंक यू आर वॉचिंग फिल्मी बीट, प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो जरूर कीजिएगा।